गौतम बुद्ध भगवान और बाबा साहब को नमन करते हुए और सभी हमारे मूलवासी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डी प्रकाश गौतम जी, पूर्व मंत्री और सम्मानित साथियों को अपना आदर्श मानते हुए आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम की क्यों जरूरत पड़ी? इस प्रोग्राम की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि आज देख रहे हैं कि हमारा समाज एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी चारों तरफ से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और अधिकार छीनने के साथ साथ उन पे अत्याचारों की इंतहा हो गई है और ये अत्याचार तब तक चलते रहेंगे जब तक हम लोग एकजुट ना होंगे। और एकजुट होने के लिए हम सब लोग हमेशा से आह्वान करते आए हैं और समय समय पर जब भी हमारे समाज में किसी भी समाज के पीड़ित पक्ष पर अत्याचार होते हैं, चाहे दलित है, मुस्लिम है या हमारे ओबीसी भाई हैं, तो उनके लिए हम सड़कों पर उतरकर हमेशा से संघर्ष करते आए हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हमारे समाज को एससी एसटी ओबीसी को कोई भी लायक नहीं करता। वैसे आप देख सकते हैं कितने भी मंत्री विधायक या जो भी जो होते हैं हमारे समाज से चुनकर जाते हैं, लेकिन हमारी बात वो कोई नहीं करता क्योंकि वो लोग मनवादी पार्टियों से चुनकर जाते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा संगठन इतना मजबूत हो जो कि शासन सत्ता को हिलाने का काम करे, जिससे हम सब लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हों। जैसे कि हमारा संगठन काम कर रहा है, गांव-गांव जाकर महिलाओं को, बच्चों को, सब युवाओं को जागृत कर रहा है, बाबा साहब के विचार से अग्निशित करा रहा है और अपने अधिकारों के प्रति सजग करा रहा है। और जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, फूल वही खिल पाते हैं, फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, हक मिलते नहीं हक तो छीने जाते हैं। जिसने दिया देश को जीवन देश उसे क्या देगा, और बात हमारी रखने को नाम हमारा लेगा। तो बाबा साहब का नाम आज पूरे वर्ल्ड में लिया जा रहा है। वो क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बाबा साहब ने इंडिया को एक जीवन दिया है, भारत को एक जीवन दिया है। क्योंकि भारत जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा, उससे पहले का भारत और बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद का भारत, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप सब देख रहे हैं कि जिन पीड़ित कुछ लोग समाज को कहीं भी वरीयता नहीं दी जाती थी, आज देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मोदी जी सफाई कर्मी के नाम पर उनके पैर धोने का काम कर रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है, ये बदौलत है बाबा साहब के दिए हुए सपोर्ट की, जिसके बल पर जो लोग हमेशा से हम पे अत्याचार करते आए हैं आज हमारे चरणों को धोने के काम कर रहे हैं। और जगह जगह हमें भले ही वे मन से नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरी वस्तु उन्हें करना पड़ रहा है और ये शक्ति हमें बना के रखनी है। और इस शक्ति को बना के हमें बहुत जल्द, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी और वो सदी चालू है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि भारतीय मूल्य संगठन को ऐसे ही मजबूत करते हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहें। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। एक बार जोरदार नारे लग जाएं क्योंकि मंच में थोड़ी और जोश आ जाएगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। भाई धर्मेंद्र प्रकाश जी, हमारी 25-30 गाड़ियों के साथ मेरठ से लोग आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद अदा करता हूं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जय भीम। आवाज में दम होना चाहिए। जय भीम। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और भारतीय मूल निवासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को मेरा जय भीम, मंचा सिंह, हमारे अतिथिगण सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन में मुझे भारतीय मूल निवासी संगठन के मंडल अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ बोलने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। साथियों, भारतीय मूल निवासी संगठन गांव-गांव में जाकर के जो अपने वैचारिक क्रांति के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहा है, और जो मुहिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंजीनियर डी प्रकाश गौतम जी ने चलाई है, हम लोग गांव-गांव में जाकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी संगठन के पदाधिकारीगण एक दूसरे से समन्वय बना करके आगे बढ़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संगठन बहुत जल्दी ऊंचाइयों की ऊंचाई तक पहुंचेगा, और आने वाले समय में हम लोग सत्ता पर भी काबिज होंगे। साथियों, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का और हमारे संचालक महोदय का निर्देश हुआ है कि अपने शब्दों को सीमित रूप दे करके मुख्य बातें बताना है, और संगठन किस तरह से हमारा आगे बढ़े उस पर थोड़ा थोड़ा सा अपने विचार रखने हैं। साथियों, मेरे विचार से संगठन को मजबूती मिलेगी जब हम लोग एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चले, और मनमुटाव यदि किसी के साथ में है तो उसे दूर करें, और गांव-गांव जाकर के अपने संगठन की नीतियों को बताएं कि हमारा संगठन करता क्या है और चाहता क्या है। हमारा संगठन चाहता है कि मनुवादियों के द्वारा जो हमारे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होते हैं उनको हमें समाप्त करना है, बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है। साथियों, जो लोग हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो लोग हमें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनको हमें एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देना है। साथियों, मैं सभी लोगों से, सभी साथियों के, सम्मानित साथियों से दोबारे से ये अपील करूंगा कि भारतीय मूल निवासी संगठन को तन मन धन से मजबूत करने का काम करें, और अपने अपने क्षेत्र में जाकर के इसकी नीतियों को फैलाएं। साथियों, हमारे अधिकतर समाज के साथ में एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हमारे बच्चे, गरीब तबके के लोग जो हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वो पढ़ नहीं पाते। हालांकि सरकार ने जो है बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रखा है, चला रखी है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती। तो सभी बुद्धिजीवी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, उसको पढ़ें और अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, मोहल्ले पड़ोस में उसको उसकी जानकारी दें, ताकि हमारा कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह सके। और दूसरे, हमारे जो समाज के बाहुल्य क्षेत्र में हमारा जो जहाँ समाज रहता है, गरीब तबके के लोग जो मेहनत मजदूरी करके आते हैं, बेचारे वो अपना पेट क्या पालेंगे, वहाँ पे दारू के ठेके सबसे पहले बहुतायत संख्या में मिलेंगे। किसी स्वर्ण जाति के मोहल्ले में दारू का ठेका शायद किसी साथी ने ना देखा होगा, लेकिन हमारे समाज, जहाँ हमारा समाज है, वहाँ सबसे ज़्यादा दारू का ठेका खुला हुआ है। तो हमें मिल करके, एकजुट होकर के उसका भी विरोध करना है। बस ठेके खोल लो बड़ियों के, वहाँ मोहल्ले में ब्राह्मणों के, बड़े ब्राह्मण ठाकुरों के मोहल्ले में खोल लो जा करके। हमारे यहाँ क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हो, क्यों हमारे साथियों को बेकार कर रहे हो? अरे मेहनत मजदूरी करके ला रहे हैं, पहले से तो उनके संपत्ति है नहीं, और जो कुछ कमाते हैं वो जो है मतलब कहने के 70% दारू में घुसेड़ देते हैं, तो कैसे विकास होगा? हमें धीरे धीरे सब बातों को जो है, जो हमारे नुकसान की है, उन्हें हमें ख़त्म करना है, धीरे धीरे उनको चोट पहुँचा करके अपना विकास की तरफ ध्यान देना है। साथियों, ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यार। जय भीम, जय भारत। नई ग्राहकों से, भारत के कोने कोने से उपस्थित होने वाले मेरे आदरणीय धम बंधुओं, मेरी आदरणीय माता और बहनों, और मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, आप सबको मेरा सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।
जय संविधान स्वीकार हो। साथियों, आज भारतीय मूल निवासी संगठन के तत्वाधान में बड़े भाई इंजीनियर धर्मेंद्र प्रकाश गौतम जी के सानिध्य में मुझे इस मंच से कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और इस सम्मेलन में पधारने के लिए आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परम पूज्य बाबा साहेब, विश्व रत्न बाबा साहेब, संविधान निर्माता बाबा साहेब, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने केवल अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी के बल पर इस भारतवर्ष में नहीं विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड अपने नाम अर्जित कराया। साथियों, उनके द्वारा दिलवाए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक संरक्षित विशिष्ट समुदायों के लिए किए गए उपबंधों के अंतर्गत हमारा आरक्षण संरक्षण संरक्षित बाबा साहब ने कराया। उन अधिकारों की बदौलत आज इस देश के लाखों करोड़ों बहुजन मूल निवासी, वे लोग अरबपति, करोड़पति और लखपति बन चुके हैं। तो साथियों, उसके साथ साथ ही यहां इस देश में लाखों लोगों ने नौकरियां पाई हुई हैं। मेरा कहना है कि हजारों लोग इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अंतर्गत इस देश में एमपी, एमएलए, मेयर, पार्षद, पंच और सरपंच बनते हैं। क्या उन सभी का यह कर्तव्य नहीं बनता कि जो आज हम बाबा साहब के वहां परिनिर्वाण के बाद भी देख रहे हैं कि हमें यह संगठन इतनी मजबूती के साथ आगे ले जाना पड़ रहा है, उसका कारण है हमारे अंदर एकजुटता का ना होना। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, शिक्षित करो। तो मैं आप सभी से सवाल करना चाहता हूं कि आप कितने शिक्षित बने और कितनों को शिक्षित किया। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि हमने भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरी पा करके कंधे पर फीत लगा करके और अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रख करके हम देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा करने का दायित्व उन लोगों के कंधों पर है जिन्होंने भारत के संविधान का गहनता से अध्ययन किया है। मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि एक एक प्रति भारत के संविधान की अपने बच्चों के लिए खरीद कर रख लें, क्योंकि जैसा आज माहौल है, ऐसे माहौल में आने वाले 100 वर्षों बाद आपको संविधान की प्रति बहुत सर नहीं होने वाली है, उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए जाएंगे। और बाबा साहब ने बदलाव करने का जो मौका अनुच्छेद 368 में दिया है संविधान संशोधन का, वो इसलिए नहीं दिया कि कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी सत्ता पर काबिज हो, वो अपनी मर्जी से यह संशोधन करके किसी भी कानून को लागू कर सके। संविधान में संशोधन का प्रावधान बाबा साहब ने गणतंत्र से लिया और गणतंत्र भगवान बुद्ध के, गणतंत्र का अर्थ है गणतंत्र, भगवान बुद्ध की परंपरा में बाबा साहब का सारा संविधान लिखा हुआ है। इसके लिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 के तक अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर सकते हैं। उसी फंडामेंटल राइट्स में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, जिसके कारण मैं आज अपना वक्तव्य आपके समक्ष उपस्थित कर पा रहा हूँ। उसी वक्तव्य के अंतर्गत, उसी जो है क्लाउज के अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, वो भारत के किसी भी सरकारी कर्मचारी से, अधिकारी से
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की मांग कर सकता है। मैं वर्ष 2010 से इस महत्वपूर्ण कानून पर जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने मुझे इतना ताकतवर बना दिया कि मैं IAS, IPS, PCS, IFS और IRS जैसे पदों पर बैठने वाले अधिकारियों से भी नहीं करता। और आशा करता हूं कि जब आप सूचना का अधिकार या भारत का संविधान का अध्ययन करेंगे तो आप भी इतने निडर, इतने सशक्त और इतने बुद्धिमान, इतने तर्कसंगत बातों को करने वाले बन जाएंगे कि आपके सामने ठहरने वालों को जो ना ठहरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए भारतीय मूलनिवासी संगठन के कदमों को मजबूत करने का आह्वान करते हुए और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से भारत के कोने कोने में सम्मेलन करने का ये जिम्मा अपने ऊपर उठा लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी आने वाली नस्लें आपको कोसेंगी, आपको गालियां देंगी, आपके नाम पे थू-थू करेंगी और आपको धिक्कारेंगी कि हमारे पूर्वज अच्छे नहीं थे। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान साथी। बहुत बहुत शुक्रिया रविशेखर जी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।